वर्टिकल डबल ड्रम ऑटोक्लेव मशीन 16-26, इसमें जो डायल है कांस्टेंट वाले, स्टीम रिलीज वाले, ये डबल ड्रम कैपेसिटी के साथ आता है मशीन। इसमें 12x15 के दो ड्रम आएंगे, जो ड्रम रहेगा उसका जो डायामीटर जो है वो 15 रहेगा और उसकी हाइट जो है वो 12 रहेगी। तो ये थोड़ा बड़ा ड्रम आएगा, तो इसमें ये बड़ा ड्रम की कैपेसिटी के साथ है। ये जो मशीन है, ये छोटी वाली मशीन, उसमें 11x9 का ड्रम आता है, इसमें थोड़ा ये साइज जो है वो बड़ी आती है। सिंगल चेंबर मशीन जो रहता है उसमें ऐसे हीटर बाहर ही रहता है, इसके ऊपर एक स्टैंड है, जो स्टैंड के ऊपर हमको ऑटो ये ड्रम रखना है। ड्रम रखने के पहले हम इसको पानी डालेंगे इसके अंदर, जो पानी जो है वो हीटर का जो ये लेवल है, हीटर यहाँ पर है, तो ये हीटर के लेवल से इधर तक पानी हम भरेंगे इसको यहाँ तक। और ये जो स्टैंड है उसके एग्जैक्ट 1 इंच नीचे तक पानी भरना है। और पानी डालने के टाइम हमको पानी जो है वो हीटर के बाहर की साइड डालना है, हीटर के ऊपर डायरेक्ट पानी नहीं जाना चाहिए। और जो पानी आप यूज करो वो आरओ पानी यूज करना है। आरओ पानी के बिना पानी अगर यूज़ करोगे ही तो हीटर जो है वो जल्दी जल जाएगा, क्योंकि हीटर के ऊपर जो है वो क्षार जम जाएगा अगर आप साइकिल चलाओगे तब। अभी हीटर जो है थोड़ा डूबा हुआ है, पर पानी अगर हमको थोड़ा एक्स्ट्रा डालना है ताकि जो साइकिल है वो लंबी चले तो भी कुछ प्रॉब्लम ना आए। हीटर अभी थोड़ा बाकी है, आप देखोगे तो ये ध्यान रखना है, मीन्स हीटर के ऊपर थोड़ा पानी आना चाहिए। आरओ पानी यूज करना कंपलसरी है, आरओ पानी के बिना यूज मत करना। अभी कंप्लीट है, अभी इससे भी ज़्यादा आप थोड़ा डाल सकते हो, हीटर के ऊपर पानी है और स्टैंड जो है वो भी डूबा नहीं है, स्टैंड डूबना नहीं चाहिए पानी से। अभी हम इसके ऊपर ऑटोक्लेव का जो ड्रम है वो रखेंगे। ये 12x15 का ड्रम है, अभी ड्रम रखने के बाद इसको बंद करेंगे हम। अभी जो वाल है वो अभी बंद करने के लिए ये सामने सामने के जो नॉब है उसको टाइट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो अभी, ये सामने सामने के जो दो नॉब है इसको ऐसे ऐसे टाइट करना है। पहले हमको पूरा टाइट नहीं करना है, पहले हमको ओनली थोड़ा उसको कनेक्ट करके उसको लगाना। अभी हम इसको नॉब को फिट करेंगे। अभी जो नॉब है हमने खाली उसको कनेक्ट करके रखा है, ऐसे ही थोड़ा कनेक्ट करके रखा है। तो अभी हम सामने सामने के जो नॉब है उसको फुल टाइट करेंगे। हाँ, इसको ऐसे टाइट करना है आपको। एक नॉब टाइट करने के बाद थोड़ा फुल टाइट नहीं करना है इसको, दूसरा ये और ये दोनों टाइट करना है, ये और ये दोनों टाइट करना है। इसको भी फुल टाइट नहीं करना है, वो भी हमको थोड़ा कम रखना है। इसके बाद इसके ऑपोजिट वाले, हाँ, उसको टाइट करना है। इसके बाद ये वाला, हाँ, तो ऐसे आपको टाइट करना है सामने सामने वाले। उसके बाद और वापिस
वापिस, हाँ वो जिस नॉब को फिट किया है उसी को ही फुल टाइट कर देना है। तो ऐसे 2-3 बार करोगे तो आपको फुल टाइट हो जाएंगे सारे नॉब, तो ये एयर टाइट हो जाएगा मशीन। तो उसके वजह से क्या होगा कि आपका यहाँ से कुछ लीकेज वगैरह नहीं होगा और इसकी जो रिंग है वो ज़्यादा चलेगी। तो ये खास ध्यान रखना है, सामने सामने वाले नॉब ही टाइट करना है और सब एक साथ में टाइट नहीं कर देना है। एक यानी आपने ये टाइट किया तो फुल टाइट नहीं कर देना है, पहले थोड़ा ही अड़ा के रखना है और उसके बाद ऐसे सब टाइट करते रहना है। थोड़ा टाइम लगेगा पर इससे आपका मशीन का जो लाइफ है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। इसके बाद अब हम हीटर को ऑन करेंगे। हीटर को ऑन करने के बाद धीरे धीरे इसका प्रेशर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये बढ़ता बढ़ता जाएगा। हीटर अभी हमने ऑन कर दिया है, यहाँ पर प्रेशर जो है वो मिनिमम 25 मिनट 35 मिनट से ज़्यादा भी टाइम ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपका जो पानी जो है वो कितना ठंडा है उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये साइकिल मिनिमम 45 मिनट से 1 आवर्स का टाइम लेंगे। जब आप हीटर को ऑन करो उसके बाद आपको ये प्रेशर रिलीज जो वाल है जो यहाँ पर आपका ये स्टीम रिलीज वाल है, ये स्टीम रिलीज वाल को आपको 3 से 4 जो बार ओपन कर देना है, ऐसे खोल देना है। ऐसे खोल दोगे तो क्या होगा कि अंदर की जितनी भी स्टीम होगी, जो ठंडी हवाई होगी और स्टीम रहेगी, वो सारी पहले जितनी भी अंदर रहेगी वो सारी बाहर निकल जाएगी पहले, और उसके बाद आपको वहाँ से जब स्टीम निकलना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद उसको ऐसे टाइट कर देना है। ये जो स्टीम बाहर निकलेगी उसका टाइमिंग 10 से 15 मिनट तक हो सकता है, तो आपको 10 से 15 मिनट तक का वेट करना है। अंदर जितना भी प्रेशर बनेगा तो वो प्रेशर आपको बाहर निकालना है ताकि आपके ड्रम में पानी नहीं जाएगा। 10 मिनट के बाद जब ठंडी एयर यहाँ से निकलेगी और उसके बाद जब गर्म एयर निकलेगी उसके बाद इसको आपको ऐसे टाइट कर देना है। मिनिमम ये 10 से 15 मिनट लगेंगे जो एयर निकलेगी, तब तक अब हम वेट करते हैं, उसके बाद क्या साइकिल में करना है वो हम देखेंगे। जैसे ही पानी गर्म होगा उसमें से जो गर्म जो हवा है वो बाहर निकलेगी तो यहाँ पर जो प्रेशर रिलीज वाला है वहाँ आप देख सकते हो धीरे धीरे पानी आ रहा है बाहर। तो इसका वेट करना है, तब तक आपको ये जो स्टीम रिलीज जो वाल है उसको बंद नहीं करना है। अगर बंद करोगे तो आपके जो ड्रम है उसमें पानी आने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। ये अगर खुला रखोगे तो आपका पानी आने का चांस कम होगा। धीरे धीरे जो पानी का अंदर जो एयर बनी है वो गर्म एयर बाहर निकलेगी, उसके बाद आपको ये क्लोज करना है। 2 मिनट तक का अभी वेट करना है, उसके बाद आपको ये क्लोज कर देना है। क्लोज करोगे तो जो अंदर स्टीम बनती रहेगी, जो एयर बनती रहेगी वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगी। यहाँ पर जो एयर है वो धीरे धीरे आपका 15 का प्रेशर है वहाँ तक जाएगी, तो हम उसका वेट करेंगे। अभी देखो इधर से आवाज़ होने की स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर भी ऐसे थोड़ा रखोगे हाथ तो आपको महसूस होगा गर्म हवा आ रही है। अभी इसको बंद कर देंगे। अभी 15 से ऊपर जो प्रेशर है वो गया और उसके बाद ये कांस्टेंट जो वाल है वो स्टार्ट हो गया। अभी ये कांस्टेंट जो वाल है वो आप ऐसे ही बचता रहेगा, पर जब 15 का प्रेशर हुआ और ये वाल जो है वो बजने का चालू हुआ तो 20 मिनट तक आपको ऑटोक्लेव चालू रखना है। 20 मिनट के बाद ऑटोक्लेव का जो स्विच है वो बंद कर देना है, क्योंकि इसमें सीटी नहीं बजेगी पूरी,
ये कांस्टेंट वाल दिया गया है। इसमें कांस्टेंट वाल क्यों दिया गया है, क्योंकि ये ऑटोक्लेव की जो साइज़ है वो बहुत ही बड़ी है और इसका जो प्रेशर है वो अंदर मेंटेन होता रहेगा, इसके लिए हमने ये कांस्टेंट वाल इसमें दिया है। तो अभी आपको 20 मिनट घड़ी में देख लेना है, 20 मिनट तक चालू रखना है ये मशीन। ये 15 का प्रेशर, 20 मिनट तक ये मशीन चालू रखना है, इसके बाद ये मशीन बंद कर देना है। ऑटोक्लेव बंद करोगे तो धीरे धीरे जो प्रेशर है वो ऐसे नीचे आता रहेगा, पर आपको धीरे से ये स्टीम रिलीज जो वाल है, स्टीम रिलीज वाल, इसको ऐसे खोल देना है। ऐसे खोलोगे तो धीरे धीरे से यहाँ जो है उसकी स्टीम जो है वो रिलीज होती है जा रहेगी, जब तक आपका जो प्रेशर है वो यहाँ तक जीरो नहीं हो जाता है तब तक आपको ये ऑटोक्लेव को खोलना नहीं है। तब तक ये आपको वेट करना है कि यहाँ तक जीरो का प्रेशर आ जाए। ये जो स्टीम रिलीज वाल है उसको थोड़ा ही ओपन करना है, थोड़ा ही ओपन करोगे ना तो धीरे धीरे वो जो एयर है, वो स्टीम है, वो बाहर निकलेगी, और जल्दी ओपन करोगे तो इसमें ड्रम में पानी आने का चांस है। तो जल्दी ओपन मत करो, थोड़ा ही ओपन करो, थोड़ा टाइम ले लो, तो थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर जो प्रेशर है वो जीरो हो जाएगा। अभी प्रेशर जो है उसका जीरो हो गया है। जीरो होने के बाद आपको ये जो नॉब है उसको ओपन करना है, उसके पहले आप ओपन मत करना। और आपको जो ऑटोक्लेव में जो आप पानी यूज कर रहे हो वो 3-4 साइकिल तक चला सकते हो, उसके बाद वो पानी भी आपको चेंज करना है। अगर ऑटोक्लेव का जो पानी है अगर वो 1 हफ्ते तक अंदर पड़ा रहा तो हीटर को वो डैमेज कर सकता है, उसके ऊपर शार जो है वो लग सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो वो अगर एक ही साइकिल चलाना है और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद साइकिल चलाना है तो आपको वो जो है हीटर पानी जो है तो वो निकाल देना है। बाकी तो नॉर्मल जो है अभी ऐसे ही आपको जो भी एक एक नॉब करके भी आप ओपन करोगे तो आपको अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है निकालने में, ओनली लगाने में आपको सामने के नॉब फिट करने हैं। दूसरी साइकिल आप जब चलाओगे कंटिन्यू तो ये थोड़ा कम टाइम लेगी, क्योंकि जो पानी जो है वो अभी गर्म है और पानी ठंडा होगा तो थोड़ा टाइम लेगा।